हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग होम बाय हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केक। मैंगो केक बनाने के लिए ये मैंने एक बड़े साइज का मैंगो लिया है, ये मैंने आधा कप बादाम लिए हैं, बादाम को पीस कर लिया है, एक ग्लास दूध, दो इलायची को कूटकर पाउडर बनाकर लिया है, ये थोड़ी सी चेरी ली है, दो टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता, थोड़ा सा दूध लिया है जिसमें 8-10 धागे केसर के डाल के लिया है, दो टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है। आइए अब हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आम को छीलकर काटकर और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। ये आम को मैंने छीलकर ले लिया है और अब हम इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करके ले लेते हैं। ये हमने सारा आम कट करके ले लिया है, अब हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। सारे आम हम मिक्सचर जार में डाल के ले लेते हैं और झट से इसकी प्यूरी रेडी कर लेते हैं। ये हमने आम की प्यूरी बनाकर रेडी कर लिया है। ये कढ़ाई के अंदर मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो ये केसर वाला दूध लिया था हमने वो ऐड करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको थोड़ी देर तक और पकाएंगे। ये देखिए दूध पर बॉईल होने के बाद एक अच्छी गाढ़ी मलाई की परत आ चुकी है। इस स्टेज पर अब हम दूध के अंदर ये जो हमने प्यूरी ली थी मैंगो की वो ऐड कर लेंगे। और अब इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। आम की प्यूरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है दूध के अंदर। अभी हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए केक बैटर हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो बादाम लिए थे पीसे हुए उसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसको और पकाएंगे थोड़ा। बैटर काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालने से हमारे केक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट और पकाएंगे। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए केक बैटर एकदम से थिक हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। केक बैटर हल्का गर्म है, अब हम इसे बाउल में निकाल कर ले लेते हैं। ये हमने केक बैटर को बाउल में निकाल कर ले लिया है। अब हम इस केक टिन के अंदर ये मैंने चेरी ली है और चेरी डालेंगे। ये हमने चेरी डालकर ले ली है और अब हम केक बैटर इसके अंदर डालकर फैला देंगे। हमने हाफ केक बैटर डालकर ले लिया था कंटेनर में और अब हम फिर से इसके ऊपर चेरी डाल रहे हैं। चेरी हमने डाल ली है, अब बचा हुआ केक बैटर भी हम इसमें डालकर फैला देंगे।
सारा केक बैटर हमने डालकर ले लिया है। अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ये हमने केक को फ्रिज से निकाल के ले लिया है। अब हम इसको हटा देते हैं और एकदम से परफेक्ट केक हमारा रेडी है। ये देखिए नीचे से भी कितना बढ़िया बना है। हमने इसमें चेरी डाली थी। अब हम इसे पिस्ता कतरन से गार्निश करेंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी केक हमारा बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।